नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर से खटीमा पहुंचे, जहां खटीमा मुख्य बाजार में काफिला रुकवाकर हाथ से बने मिट्टी के दीयों की खरीदारी की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप वोकल फॉर लोकल के मां अभियान को बढ़ावा देता छोटा सा सहयोग बताया। मिट्टी से बने दीयों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना एक कुम्हार के घर को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से दीपावली को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदारी करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे के दौरान माड़ा गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए गए स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि माताओं और बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए देशवासियों से आग्रह किया था कि जहां भी जाएं एक संकल्प करें कि यात्रा पर जितना भी खर्च आएगा उसका कम से कम 5% वहां की स्थानीय उत्पाद खरीदने पर खर्च करेंगे। दीपावली पर्व हमारा जो दीपों का पर्व है, हर प्रकार से सुख समृद्धि का पर्व है। इस पर्व पर सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर हो, भगवान राम की कृपा सब पर हो और सभी राज्यवासी खुशहाल हों, सबकी समृद्धि हो, सब प्रकार की मंगल कामनाएं हों और हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। माँ भगवान राम से प्रार्थना करूँगा, मां लक्ष्मी से प्रार्थना। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर से खटीमा जा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने दुकानदारों को देखा और उसके बाद वो वहां पर खरीदारी करने लगे। वहीं उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का नारा लगाते हुए लोगों से अपील की कि इस बार की दिवाली स्थानीय लोगों से दीपक खरीद कर करें, स्थानीय जो उत्पाद है उसे बढ़ावा दें। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता इस बार वोकल फॉर लोकल के तहत दीपावली मनाएगी, यानी कि उत्तराखंड में जो दीपक और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचकर 8 गढ़वाल रेजिमेंट के कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पहुंचने पर पूर्व सैनिकों और रेजिमेंट के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान यहां कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने अपने कर्तव्य से सबका मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस दौरान सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम महफूज रहते हैं। सैनिकों से ही देश है। उन्होंने सभी सैनिकों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में हिंदू शक्ति द्वारा आयोजित द्वितीय भव्य दीपोत्सव 2022 के तहत एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित विषय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क नजर आया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के उपरांत वहां जय श्री राम के उद्घोष के नारों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, मौजूद जनता का अभिवादन भी किया और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। धनतेरस के दिन यहाँ पर बहुत ही शानदार दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति की चेतना के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान राम वो प्रकाश पुंज हैं जिसकी ओजस्वी किरणें भारत की महान सनातन संस्कृति को सदियों सदियों से अनुप्रमाणित करती रही है। लगातार हम सब उनका किसी न किसी रूप में अनुकरण करते रहे हैं।
राम एक अक्षर नहीं बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर हम भगवान राम के जीवन को देखेंगे तो सब कुछ उसमें मर्यादा में रहते हुए, कष्टों में रहते हुए, संकटों में रहते हुए, कोई भी स्थिति हो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। भगवान राम का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, और हम भगवान राम को अपना आदर्श मानकर काम करें तो मैं समझता हूँ जीवन में आने वाली सारी परेशानियाँ, होने वाली समस्याएं और पढ़ने वाली आवश्यकताएं, उन सब का निदान बहुत आसानी से हो जाएगा और भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर साक्षात। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड राज्य के विकास में पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर एक कदम और आगे बढ़ाया। सीएम धामी द्वारा समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग हेतु 2 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किए जाने की सूचना देते हुए धनतेरस और दीपावली के उपहार स्वरूप विशेष पत्र प्रेषित किए। विधायकों को अपने क्षेत्र में निरंतर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा विधायक गणों की इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायक गणों के द्वारा समय समय पर उठाए गए विषय या विकास योजनाओं की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं सहयोग और समन्वय हेतु अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं सितारगंज में दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसमें सुरक्षा को लेकर चरपहिया वाहनों को साथ साथ भारी वाहनों को अंदर जाने की एंट्री नहीं दी गई है। वहीं त्यौहार को लेकर बाजार के अंदर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों को सुरक्षा के मद्देनजर महाराणा प्रताप चौक, बिष्टी चौराहा और बाईपास के रास्ते से चार पहिया भारी वाहन को बाहर निकाला जा रहा है। त्यौहार के उपलक्ष्य में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, वन वे ट्रैफिक कर रखा है, बाजार में कोई गाड़ियां नहीं जा रही है, ना फोर व्हीलर जा रहा है, ना टेम्पो जाने में थ्री व्हीलर जा रहे हैं, और सब लोग पैदल जो है खरीदारी कर रहे हैं, और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है, सभी व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, होटल ढाबे सब चेक किए जा रहे हैं और त्यौहार चौकों से संपर्क करा दिया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिवाली की धूम देखने के लिए मिल रही है, जहां एक तरफ पिछले करीब 3 सालों से देश में कोरोना वायरस से परेशान था तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों पर दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन इस बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिवाली की धूम देखने के लिए मिल रही है। दीपावली का त्योहार है, बाजारों में रौनक छाई हुई है। देखिए किस तरीके से बाजारों में रौनक छाई हुई है, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या हिसाब है। बाजारों में दीपावली आते लोग उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है। पिछले 2 सालों से दीपावली का त्योहार फीका पड़ा हुआ था कोरोना काल के कारण, इस बार तीसरे साल जो दीपावली आई है उससे किस तरीके की रौनक है, किस तरीके का माहौल है मार्केट में वो देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं सर, किस तरीके की रौनक है इस समय मार्केट में? ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक चल रहा है तमाम सब। पिछले 2 सालों से जो हाल थे इस बार किस तरीके की रौनक है उसमें? 2 साल तो बिल्कुल ही खत्म था जी, और अब जो है वो सारी कसर निकल रही है भगवान की कृपा से जी। मार्केट अच्छा चल रहा है, कारोबार अच्छा है। कल धनतेरस का दिन था, कुछ लोग आज भी खरीदारी कर रहे हैं धनतेरस, तो किस तरीके का माहौल रहा कल? कल बढ़िया रहा, खरीदारी बिल्कुल वही रही जैसे धनतेरस पे होती है, लोगों की भीड़ काफी थी जी। लगभग 4:30-4 बजे के लगभग लोगों ने भीड़ बढ़नी शुरू हुई जी, और रात को लगभग जो है 10 बजे तक हम लोग रहे दुकान पर। जिस तरीके से मार्केट में माहौल देखने को मिल रहा है 2 साल बाद, लोगों के चेहरे पे रौनक दिख रही है, दुकानदारों के चेहरे पे रौनक दिख रही है। मार्केट में बहुत अच्छा माहौल है, दीपावली का पूरा माहौल है, लोग अच्छे तरीके से खरीदारी कर रहे हैं और अपने घरों को ले जा रहे हैं।
अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों की खरीदारी लगातार चल रही है, लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। सर, मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे है, ठीक चल रहा है, देख रहे हो आप जी, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जिस तरीके की भीड़ भाड़ है मार्केट में, तो मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो रही है लोगों को, या किस तरीके आप लोगों को यहाँ पे लोगों को समझाने में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे भीड़ भाड़ है ही, लेकिन हर चौराहे और उसमें पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब इस समय कितनी खरीदारी है पहले से? ये तो चल ही रही है अभी। तो किसकी डिमांड, किस चीज की डिमांड ज्यादा है आज के डेट में? सब चीज की है, सब चीज की डिमांड है। आप लोग जिस तरीके का माहौल था 2 सालों से, इस बार दीपावली का त्योहार हो और पटाखों की रौनक न हो, ये असंभव है। हम इस समय धामा वाला देहरादून, राजधानी देहरादून के धामा वाला में आ रखे हैं, जहाँ पे पटाखों की मार्केट है देखने को मिल रही है। किस किस तरीके के पटाखे हैं और हम आपको दिखाते हैं क्या माहौल है पटाखों का और कितनी भीड़ है पटाखों के मार्केट में, क्या मार्केट है इस समय पटाखों की। हम बात करते हैं भाई साहब, कितनी भीड़ है इस समय, कितनी क्या माहौल है पटाखों का? दीपावली का त्योहार है और पटाखे न जले तो ये हो नहीं सकता है। बहुत ज्यादा भीड़ है सर जी। बस मतलब क्या, कौन से पटाखों की ज्यादा डिमांड है? जैसे पॉल्यूशन मुक्त है या कुछ इस तरीके का कुछ होता है, या चाइनीज ज्यादा है या इंडियन ज्यादा है डिमांड? इंडियन पटाखों की ज्यादा डिमांड है। इंडियन पटाखों में कौन कौन से पटाखे हैं जरा बताइए हमें? रॉकेट है सर, गुजड़ी है, मिर्ची है, विस्लिंग व्हील होता है। इंडियन पटाखों की डिमांड ज्यादा है, पॉल्यूशन मुक्त कौन से पटाखे हैं जो पॉल्यूशन मुक्त हैं? हम जानना चाहेंगे दुकानदार से कि किस तरह कौन से। सर रविंद्र और कौन, सुनो मेरी बात, आपको भी तो पता होगा आप बेच रहे हैं, आपको पॉल्यूशन कम हो दिन से, पॉल्यूशन दवा जो सके और अच्छा, ये वाले अच्छा, ये इनसे कम से कम पॉल्यूशन होता है, सब ब्रांडेड है ना, रविंद्र पॉल्यूशन फ्री है। हां अच्छा, ये मतलब जो ये है पॉल्यूशन, ये रविंद्र तो बहुत बड़ी कंपनी का है, ये तो। वहीं बाजारों में दीपावली को लेकर ग्राहकों की खासी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में सुबह से ही बाजारों में भीड़ जुटी हुई है। वहीं इस बार चाइनीज झालरों की बजाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की खासी मांग है। वहीं इस बार राइस बल्ब मालाओं की जगह फिक्सल मालाओं की ज़्यादा मांग है। इन मालाओं में ज़्यादा रोशनी के साथ ही ये मालाएँ टिकाऊ भी हैं। वहीं पानी वाले दियों का भी खासी डिमांड हो रही है और लोगों के बीच कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। वही परंपरागत झालरों में भी इस बार ज्यादा चटक रंग देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।